प्रॉन चेटिनाड करी रेडी है। इसे मैंने बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया। वेलकम टू पल्लवीज हेल्थ बकेट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। गाइस, मैं प्रॉन बनाने वाली हूँ आज। और ये जो प्रॉन है, ये इसको अभी डी वेन नहीं किया हुआ है और ये वॉश मैंने इसको कर दिया है, लेकिन इसके शेल्स नहीं हटे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसके शेल्स को हटाएं और इसे डी वेन करें। सबसे पहले प्रॉन को कैसे क्लीन करना मैं बताती हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसके जो शेल है उसको मैं हटाऊँगी। और इसको क्लीन करने से पहले मैंने एक बार वॉश भी कर दिया है डी शेल करने से पहले। मैं टेल रिमूव नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। और हेड को रिमूव करने के लिए इस तरह से रिमूव करें। ये इसका हेड बटर है जिसे मैं वॉश कर दूंगी। एक्चुअली ये हेड भी खाया जाता है, उसके हेड बटर को भी खाया जाता है, पर आप रिमूव भी कर सकते हैं। मैं भी रिमूव कर दे रही हूँ। तो और इसे डी वेन करने के लिए बीच में एक वेन होता है, उसे हमें रिमूव करना होता है। तो इस तरह से टूथपिक ले और थोड़ा अंदर प्रिक करेंगे तो आपको ये ब्लैक कलर कैसे वेन नज़र आएगा अंदर से। ये आपको इसे निकाल कर या आप धीरे से पुल करेंगे, ये निकल आता है पूरा का पूरा बाहर। और इसे आप चेक कर सकते हैं अंदर और है बचा है कि नहीं। ये तो ये मैंने डीवेन कर लिया है और इसको मैं अभी एक अलग बोल में रखूँगी। और इस तरह से हम सारे प्रॉन्स को क्लीन करके और फिर से हम इसे दो तीन पानी से वॉश करेंगे। फॉर प्रॉन चेटिनाड आई हैव टेकन 500 ग्राम्स ऑफ प्रॉन विच आई हैव डी शेल्ड एंड डी वेन्ड। और इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ ऑफ लेमन जूस। और इसमें ये मैंने कुछ मसाले ले लिए, हल्दी, नमक और काली मिर्च, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट टू टेस्ट है और काली मिर्च और नमक, काली मिर्च और हल्दी हाफ टी स्पून है। और इसमें 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक्चुअली दीज आर क्रश जिंजर गार्लिक। और इनको मैं अच्छे से हैंड से ही मिक्स कर देती हूँ। ऐसे हम कवर करके साइड में रख देते हैं। चेटिनाड मसाले के लिए मैंने लिया है 1 स्टार एनीस, 1 इंच सिनेमन, 2 हरी इलायची, थोड़े से पेपरकॉर्न्स, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून हरा धनिया, धनिया के बीज, और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया जीरा, और 4 सूखी लाल मिर्च। तो इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। गैस ऑन है और ये पैन भी बिल्कुल गर्म हो चुका है, मैंने सिम पे रखा हुआ है। और मैं इसे ड्राई रोस्ट करूंगी और फिर हम इसे पीस के पाउडर बना लेंगे। ये रोस्ट हो गया है और इस गैस को मैं स्विच ऑफ कर दिया, पैन अभी गर्म है। तो 1 चम्मच मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि घिसा हुआ कोकोनट मैं ऐड करके थोड़ा सा बस गर्म कर लूंगी गर्म पैन में। और इन सब का एक हमें फाइन पाउडर बना के रख लेना है। ये ड्राई ग्राउंड हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लूंगी। मिनट्स हो गए हैं, प्रॉन में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इस तरह से बनाना, इसलिए मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। कॉर्नफ्लावर आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ऑयल में फ्राई करूँगी। ये हमारा पैन गर्म हो गया है, इसमें मैंने 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो मैं सबसे पहले प्रॉन डालकर फ्राई कर लूँगी।
मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखा है और इसे हमें थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेना है। इसे 3 to 4 मिनट तक फ्राई करें, अच्छे से ये कुक हो जाएगा। ये प्रॉन मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और हम सेम पैन में, आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे मसाले और ऑयल बचा हुआ है, तो मैं सेम पैन में अपने मसाले को फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा ये जीरा और इसमें मैं ड्राई करी लीव्स डाल रही हूँ, मेरे पास फ्रेश नहीं है। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो आप फ्रेश डालें। और अब मैं डालूँगी इसमें अनियंस, में जाएगा हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं डाल रही हूँ अभी 1/2 टमाटर। टमाटर थोड़ा बड़ा था तो मैंने 1/2 लिया है। इसमें ज़्यादा टमाटर मैं नहीं ऐड करूँगी, इसमें वैसे तो कोकम या फिर इमली का पेस्ट डालता है तो, पर मैं इमली का पेस्ट और कोकम दोनों ही चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने 1/2 टमाटर डाल दिया है। इसमें जाएंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 3-4 टीस्पून हल्दी एंड सॉल्ट। उस टाइम पे मैंने प्रॉन में काफ़ी कम सॉल्ट डाला था तो आप अंदाजे से डाल लें। कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ जो कि काफ़ी तीखा नहीं होता है क्योंकि मैंने मसाले में भी, और ये है हमारा चेटीनाट मसाला। इसको मैंने 1/2 ही लिया है, जो जितना क्वांटिटी मैंने आपको दिखाया था वो 1 kg प्रॉन के लिए है और हमारे पास 1/2 kg प्रॉन है तो मैंने 1/2 लिया है और ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये इसमें फ्राई करूँगी और मैं इसे कवर करके कुछ देर के लिए मसालों को कुक करूँगी। इसमें मैंने 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है और इसे मैं अभी 5 मिनट और कुक करूँगी कवर करके, जब तक कि ये पूरा मसाला बिल्कुल अच्छे से ऑयल ना रिलीज़ कर दे। इसमें मैंने 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है और इसे मैं 5 मिनट्स तक और कुक करूँगी कवर करके ताकि ये जो मसाला है अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दे। मसाला इज़ डन, अब मैं प्रॉन्स ऐड कर देती हूँ। प्रॉन कुक हो गया है, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना था क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुक कर लिया था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालूँगी, 3/4 कप ऑफ वाटर। और हम आंच को तेज करके इसे 5 to 7 मिनट्स तक सिमर होने के लिए रख देते हैं। हमारे प्रॉन रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है इसमें क्योंकि मैं इसे आज सर्व करूँगी बॉइल्ड राइस के साथ। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी रेसिपी को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।